सबसे पहले तो ये आप बताओ कि कैसे इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में आपका, तो आपका डे टू डे लाइफ कैसे दिखता है, लाइक व्हेन यू गो टू द ऑफिस कैसे दिखती हैं चीजें, क्या कर रहे होते हो आप, मतलब टास्क कैसा आपको मिलता है, बेसिकली आप काम क्या करते हो? बेसिकली एज एन अप्रेंटिसशिप हमारा 80% एंड 20% डिवाइड होता है। 80% टाइम हमारा काम में होता है एंड 20% लर्निंग्स में होता है। सो हाय, हेलो एवरीवन, टुडे वी आर विद समर्थ जो कि एक डेटा एनालिस्ट के रोल में काम कर रहे हैं इन गूगल, इन गूगल अप्रेंटिसशिप। तो हम लोग सारी डिटेल्स जानने वाले हैं अबाउट द प्रोसेस, हाउ ही गॉट इनटू दिस, एंड सारे हम लोग टिप्स भी लेने वाले हैं अबाउट दिस रोल बेसिकली। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं पहले तो इंट्रोडक्शन के समर्थ से, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi Anurag, first of all thanks for inviting me and I'm your follower since maybe 2 or 2.5 years and yeah telling about myself my name is Samar Singhal and I'm from Saharanpur, Uttar Pradesh. As per my academic qualifications I have done my schooling from Saharanpur and BTech in computer science from Chandigarh Engineering College. ओके। तो सबसे पहले तो समर्थ हम लोग ना एकदम बेसिक से जाते हैं, दैट इज पहले प्रोसेस में घुसने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं डेटा एनालिस्ट कर क्या रहे होते हैं, बिकॉज बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होगा, ये इनसाइट्स थोड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे। व्हाट इज द डेटा एनालिस्ट बेसिकली, और वो लोग क्या काम कर रहे होते हैं इन अ कंपनी इन अ लाइव एनवायरमेंट? बेसिकली डेटा एनालिस्ट आज के टाइम पे एक बहुत वाइडली यूज टर्म है एंड बेसिकली हर एक कंपनी में अलग पोजीशन होती है, अलग काम होता है। तो बेसिकली दे एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड द टेक्निकल टीम कि आपकी जो जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसमें से आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है एंड उस बेसिस पर आपका जो गिवन डेटा है, चाहे आपको खुद डेटा को रिट्रीव करना है, चाहे आपको खुद से बनाना है, एंड वहां से लेकर डेटा को क्लीन करने से लेकर उस डेटा में से क्या इंसाइट्स आते हैं जो कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो एंड आप क्या रिजल्ट्स वहां पर दे पाते हो जिनकी वजह से कंपनी अपने फ्यूचर डिसीजंस ले पाए। ओके। हाँ, बिकॉज क्योंकि डेटा हमारे पास डेली बेसिस पे कोई किसी वेबसाइट या किसी भी ऐप की बात कर लो, बहुत हाई अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो स्टोर हो रहा है और वो बेटर डिसीजंस बिल्कुल लेने के लिए हमारे हेल्प करता है फॉर डैशबोर्डिंग काइंड ऑफ थिंग, उसके बाद फिर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, सारा एनालिस्ट का काम होता है। और तो सबसे पहले तो ये आप बताओ कि कैसे इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में आपका, कि कैसे पता चला कॉलेज से, बिकॉज कॉलेज में तो इतना एक्सपोजर नहीं होता है, फिर गूगल में कैसे अप्रेंटिसशिप मिली, कैसे ट्विस्ट वगैरह कैसे है आपकी पूरी करियर जर्नी हाँ, तो डेटा एनालिस्ट के बारे में मुझे में? बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने डेटा साइंटिस्ट वर्ड सुना था अपने लास्ट ईयर प्लेसमेंट में, मेरा दोस्त है उज्जवल, उससे एंड उसने उस टाइम ये बात कही थी कि इट इज द हाईएस्ट पेइंग जॉब। तो डेटा साइंटिस्ट सुन के मुझे ये लगा था कि यार ये तो साइंस का होगा तो मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। एंड कॉलेज के बाद क्योंकि मैं कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था मेरा, तो फिर मैंने सर्च किया कि मैं किस करियर पाथ में जा सकता हूँ बिकॉज बीइंग अ टेक्निकल स्टूडेंट। तब मुझे पता लगा डेटा एनालिस्ट के बारे में एंड फिर वहां से मैंने एक होता है आपको पूरी प्रोसेस पता हो तो आप उसमें जाते हैं, एक होता है आप किसी चीज में डीप डाइव कर जाते हैं एंड देन यू फॉल इन लव विद द प्रोसेस। तो मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते करते सीखते सीखते मुझे इस चीज में अच्छा लगने लगा, मुझे काम समझ में आने लगा एंड फिर सीखते सीखते फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके। मतलब रिसर्च वगैरह किया, ट्राई आउट किया चीजों को, उसके बाद फिर चीजों को, हाँ दैट इज द करेक्ट पाथ बिल्कुल बेसिकली। बिकॉज बहुत सारे लोग जैसे कंफ्यूज क्या रहते हैं ना कि भाई साहब हमारे पास तो बहुत ढेर सारे ऑप्शन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, अगर बीटेक से हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, बिल्कुल उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बहुत ढेर सारे बाइफर्केशन है, अब डेटा फील्ड में भी बहुत ज्यादा बाइफर्केशन आ चुके हैं, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, उसके डेटा साइंटिस्ट हो गया, तो ये सब समझने ट्राई आउट करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा, तो दैट वी नीड टू डू। उसके बाद जैसे कि सबसे जो फैसिनेटिंग चीज है ना अबाउट दिस वीडियो बेसिकली, दैट इज अप्रेंटिसशिप इन गूगल, तो कैसे यूनिक, बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव ये लेकर आता है हमारे सामने, तो आपका डे टू डे लाइफ कैसे दिखता है, लाइक व्हेन यू गो टू द ऑफिस कैसे दिखती हैं चीजें, क्या कर रहे होते हो आप, और क्या डे टू डे लाइफ मतलब टास्क कैसा आपको मिलता है बेसिकली, आप काम क्या करते हो? बेसिकली एज एन अप्रेंटिसशिप हमारा 80% एंड 20% डिवाइड होता है। 80% टाइम हमारा काम में होता है एंड 20% लर्निंग्स में होता है, ट्रेनिंग्स में। तो आपको ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं, टूल्स पे सीखने को भी मिलता है एंड उसी के साथ साथ जिस टीम को आप अलॉटेड होते हो आपको टीम से भी काम मिलता है। कोई KPI निकालना हो, किसी मेट्रिक्स पर काम करना हो, कुछ डैशबोर्ड से डेटा निकालना हो, या फ्यूचर में इन फ्यूचर आपको डेटाबेस से डैशबोर्ड भी बिल्ड करना है, वो सारा काम अपना आपका होता है। ओके। तो बेसिकली जैसे आप काम कर रहे होगे तो बहुत ढेर सारे टास्क चैलेंजेस और ये सब, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट्स भी आते होंगे कि भाई आज क्या चीज सीख ली, मजा आ गया, तो ऐसा कुछ हुआ, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा बता सकते हो, और उस समय गूगल के एनालिस्ट जो टीम होती है बेसिकली वो कितनी हेल्पफुल होती है, कितना हेल्प कर रहे होते हैं वो इन सब चीजों में?
टीम आपकी बहुत हेल्पफुल होती है आपको, क्योंकि बिकॉज हम अप्रेंटिस बिल्कुल सीख रहे हैं, स्टार्टिंग से स्क्रैच से सीख रहे हैं, तो एट एवरी मोमेंट व्हेन वी आर स्टक यू हैव पीपल अराउंड यू जिनके पास आप जा सकते हैं प्रॉब्लम पूछने, एंड वो बिल्कुल आपको विदाउट मेकिंग यू फीलिंग डम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। एंड एक्साइटिंग चीज यही है कि आपको डेली नई कोई चीजें सीखने को मिलती है। एक्सेल हर किसी को आता है, लेकिन उसमें भी आपने कोई नई चीज सीख ली तो आपको मजा आ गया, आपने एसक्यूएल में एक नई चीज सीख ली तो आपको इंटरेस्ट करा, तो ये सारी चीजें होती रहती है डेली। करेक्ट, बहुत मतलब हमने सीनियर्स के पास जाना है, सीखना है, देखना है कि हाँ वो लोग कैसे कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल मतलब कुछ डाउट्स आए तो पूछ लो, दैट इज अ बेटर पाथ। डेफिनेटली थोड़ा बहुत डेफिनेटली स्ट्रगल करो, खोजो खुद, कोशिश करो कि हाँ कुछ ट्राई आउट करो, चीजें देखो, गूगल पे करो, नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो भाई पूछ लो, दैट इज अ बेस्ट थिंग। तो ये बिल्कुल चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मतलब अप्रेंटिसशिप में जाने से पहले आपने जरूर कोई ना कोई पॉडकास्ट या कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कोई रिसोर्स फॉलो किया होगा, तो कुछ ऐसा था क्या, जैसे आप भी अभी पॉडकास्ट पर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, तो ऐसे किसी का आपने देखा होगा कि हाँ ये चीजें हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं क्या जो हेल्पफुल हो सकता है जो अप्लाई करना चाहते हो या घुसना चाहते हो इस पर्टिकुलर पोजिशन के लिए? बिल्कुल डेफिनेटली। जब मैंने एक्चुअली 2 बार अप्लाई किया था इस अप्रेंटिसशिप के लिए। फर्स्ट मैंने अप्लाई किया था अक्टूबर लास्ट ईयर, मार्च वाली अप्रेंटिसशिप के लिए, एंड उसमें मैं ऑनलाइन चैलेंज के बाद रिजेक्ट हो गया था। तो तब मैंने पॉडकास्ट देखे थे कुछ लोगों के, एंड उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी प्रोसेस को जानने में, एंड किन चीज़ों पर ध्यान रखना है उन चीज़ को फोकस करने में। उनसे मैंने कनेक्ट भी किया था लिंक्डइन पर, एंड उस टाइम मैं कोर अपना जॉब सर्च के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उस टाइम नहीं हो पाया था। एंड जब इस बार ही मैंने अप्लाई किया, उस टाइम आई वाज वर्किंग एट फिजिक्स वाला एज डेटा एनालिस्ट ट्रेनी। इस बार मैंने नॉर्मली कैजुअली अप्लाई कर दिया था, एंड इस बार टेस्ट देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, एंड पूरी प्रोसेस में मेरा हो गया। ओके ओके, बेसिकली इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, जब सपोज मान लो किसी ऐसे बंदा जो वीडियो देख रहा है उसको जानना है कि भाई कैसे मैं इस रोल में घुस सकता हूँ, तो वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है इसकी और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, घुस सकता है? बेसिक एलिजिबिलिटी आपकी है, एक तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, एंड क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप है तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं डिमांड करते, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो चल जाएगा। एंड उसके अलावा नॉर्मल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ये सारी चीज़ आपकी अच्छी हो, बाकी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया आपका ये कि ग्रेजुएट होना चाहिए एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके पास हो तो कोई चलेगा। मतलब किसी भी फील्ड का ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लाइक कोई नॉन टेक वाला है, बीबीए वाला है, बीसीए वाला है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल दैट इज अ बिल्कुल गुड अपॉर्चुनिटी बेसिकली, क्योंकि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब करियर आपका नेक्स्ट लेवल पे जी जा सकता है अगर आप ये ट्राई आउट करियर लॉन्च करते हो। करने के लिए गूगल ने प्लेटफॉर्म ये प्रोग्राम स्टार्ट हाँ किया है कि अर्ली अर्ली जो लोग अर्ली करियर्स में हैं वो लोग अपना करियर एक बूस्ट पे लॉन्च कर पाए। और इसमें मैं पूछना चाहूंगा, दैट इज जैसे डेटा एनालिस्ट को सुनने में बड़ा फन सा लगता है ये, लाइक कि हाँ काम क्या होता होगा, एक्साइटिंग सा होता होगा, तो इसमें बेस्ट पार्ट क्या है जो आपकी, आपको ऐसा कुछ होता होगा ना कि हाँ ये यार ये करने में मेरे को बहुत मजा आता है, तो इसको अगर आप बता सको। एंड जो बंदा अगर अभी जस्ट सीखना स्टार्ट किया है या इस पॉडकास्ट के पास स्टार्ट करना चाहता है फॉर अ डेटा एनालिस्ट, उसके लिए कैसे वो एक्साइटिंग हो सकता है, फैसिनेटिंग हो सकता है? एक्साइटिंग तभी होगा अगर आपको ये क्लियर होना चाहिए पहले कि आपको डेटा के साथ काम कर सकते हो, क्योंकि आप जब सीखते हो आप बहुत ज़्यादा डेटा के साथ नहीं काम करते हो, एंड जब आप एक्चुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा देखने को मिलता है, तो काफ़ी पीपल वहाँ से घबरा जाते हैं, तो वहाँ से घबराना नहीं है। आप देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करो, क्लीन करो, एनालाइज करो, एनालिसिस में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, एंड डैशबोर्ड बिल्ड करने में, क्योंकि वो विजुअल्स है वो दिखता है। फाइनली आपका स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा कि आपने कुछ किया है, तो वो करने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, डैशबोर्डिंग बहुत ही, लाइक डेटा तो दिख रहा है कि हाँ ये चीजें ये चीजें, अब कोई ऐसा बंदा है जिसको डेटा की उतनी ज्यादा या टेक्निकलिटी की उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो डैशबोर्ड दिखता है उसको कि हाँ ग्राफ दिखते हैं बढ़िया बढ़िया डैशबोर्ड्स कलरफुल से, तो दिखने में कितने अच्छे लगते बिल्कुल हैं। हाँ, और एक काइंड ऑफ अचीवमेंट जैसा लगता है कि भाई इस डेटा से मैंने ये बना दिया। तो अगर टूल्स की बात करें, जैसे कि आपने क्या क्या टूल सीखे थे, लाइक वेन यू वर गेटिंग इन टू दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो स्टार्ट जब किया तो कैसे क्या क्या चीजें आपने एक्सप्लोर की, और अभी आप लाइक कौन कौन से टूल्स यूज करते हो, लाइक विदाउट इसके ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा कुछ हो कि ये टूल तो मैंडेटरी है सीखना और इसके बिना तो डेटा एनालिस्ट की फील्ड ही मतलब हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट करी। मैंने अपनी डेटा एनालिस्ट की जर्नी स्टार्ट करी थी गूगल के डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से, तो वहाँ पर आपको स्प्रेडशीट्स एंड एसक्यूएल आर एंड टैबल्यू ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद मैंने इंटरव्यू प्रोसेस देना स्टार्ट किए थे, एंड आई गेट टू नो दैट मुझे और हैंड्स ऑन लेने की ज़रूरत है, तो मैंने टैबल्यू का एक स्पेशलाइज कोर्स किया था। उसके बाद मैंने एक जो पर्टिकुलरली ट्रेनिंग एंड बूट प्लेसमेंट बूट कैंप होते हैं वहाँ पर मैंने एनरोल किया था। वहाँ पे मैंने एक्सेल पे एसक्यूएल पे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस किया था, हैंड्स ऑन किया था काफ़ी सारा, ठीक है, पावर बी आई पे एंड गेस्टिमेट्स जो होते हैं उन पे वो सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद आई केप्ट ऑन लर्निंग, उसके बाद मैं सीखता रहा, फिर फिजिक्स वाला मैं आई वेंट इन टू, एंड अब गूगल में भी
एक डेटा एनालिस्ट की लाइफ में जो दो टूल्स जो मुझे लगता है जिनके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, एक तो आपका स्प्रेडशीट या एक्सेल और एसक्यूएल, इन दोनों के बिना आपका काम हो ही नहीं सकता है। और इसमें जैसे बहुत लोग कहते हैं कि प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा, तो कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट हम लोग, जैसे आर हो गया, पाइथन हो गया, वाइडली यूज होता है, तो इसकी कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, घुस सकते हैं क्या बिना इसके बिल्कुल लाइक स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में आप घुस सकते हो, एंड आपकी लॉजिक, बिकॉज इसीलिए जो प्रोसेस है उसमें पहले एक्सेल फिर एसक्यूएल है, कि आप एसक्यूएल करते हो तो आपके लॉजिक बिल्ड हो जाते हैं, एंड एक बार आपने लॉजिक बिल्ड करना सीख लिया किसी भी लैंग्वेज में, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्वेरी लैंग्वेज है, लेकिन क्वेरी आपने लॉजिक लैंग्वेज, बिल्ड करना सीख लिया, फिर आप रिलेट कर पाओगे वही चीज जब आर में करोगे, वही चीज जब पाइथन में करोगे, कि हाँ एसक्यूएल में इसका मतलब ये होता था, आर में ये काम ऐसे होता है, तो आप रिलेट कर पाओगे। करेक्ट करेक्ट, वो लॉजिक बिल्ड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काइंड बिल्कुल ऑफ प्रैक्टिस से आएगा, लाइक धीरे धीरे अपन जब हाँ प्रोजेक्ट्स बिल्कुल वगैरह ये सारी चीजें कर रहे हैं बिल्कुल। तो। एसक्यूएल की मैं बात करता हूँ तो एसक्यूएल सीखना बहुत इजी है, बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, लेकिन एसक्यूएल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस, जितने ज्यादा करेक्ट, यूज केसेस निकाले हैं, आपने जितने ज्यादा यूज केसेस निकाले, जितने ज्यादा फंक्शंस के साथ काम किया है, व्हेन आई वाज इनटू माय जॉब सर्च फेज, तो मैंने इतने सारे यूज केसेस निकाल चुका था कि आई वाज सो कॉन्फिडेंट दैट इससे ऊपर कुछ पूछ ही नहीं सकते एज अ फ्रेशर लेवल, हाँ, वो कॉन्फिडेंस दैट मेरा इज बिल्डअप वेरी हो गया था कि इंपॉर्टेंट। ये कि चाहे मैं 100% क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाऊँ, लेकिन मैं इसके पीछे की जो क्या प्रोसेस है, क्या लॉजिक है, मैं वो बता पा सकता हूँ, हो सकता है इसमें इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में सिंटेक्स अलग हो, लेकिन मैं लॉजिक बिल्ड करके दे सकता हूँ, मैं हाँ, इस दैट इज फंक्शन के इम्पोर्टेंट। सिग्निफिकेंस बता सकता हूँ, या दैट इज इम्पोर्टेंट। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत सारे लोग अगर ये जानना है कि भाई कैसे सीख सकते हैं, तो आप हैकर रैंक पे जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है उस पर जैसे ही जाओगे, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं आता सीक्वल में भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेफ्ट साइड में पहले डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, क्वेश्चन खोलो, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाले से स्टार्ट करेगा, उसके बाद आप धीरे बिल्कुल धीरे ग्रुप मैंने बाई सीखते हो, हैकर विद रैंक किया क्लॉज है, बिल्कुल मैंने पढ़ते हैकर रैंक से शुरू करा था, हैकर रैंक किया था, उसके बाद डेटा लेमूर किया था, स्टेटस क्रैच किया था, लीट कोड एंड केस स्टडीज, फिर खुद के डेटा पे प्रोजेक्ट्स बिल्ड, सारी चीजें मैंने की थी, तो मेन फोकस मेरा उस टाइम स्किल पे ही था, कि आप एक स्किल कोई हाँ, ऐसी पकड़िए जिसमें आप मास्टरी कर लें, बाकी सारी स्किल्स आप नॉर्मल सीखिए। धीरे धीरे सीख जाते हैं, वो तो काम करेंगे तो अपन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ साथ सीखते जाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल एंड जैसे प्रोजेक्ट्स की बात अभी हो ही गई है, तो इसके बारे में बता दो, दैट इज स्पेसिफिक कुछ प्रोजेक्ट्स तो डेफिनेटली बनाए होंगे इन योर जर्नी व्हेन यू वर स्टार्टिंग शोकेस करने के लिए अपने रेज्यूमे में, तो ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने बताए थे कि आपको लगा कि हाँ ये क्रूशियल रोल प्ले किए हैं लैंडिंग इन टू दिस गूगल अप्रेंटिसशिप बेसिकली? आई थिंक मैंने काफी प्रोजेक्ट्स बनाए थे, एंड मैं ये चीज जरूर रिकमेंड करूंगा कि प्रोजेक्ट्स आपके बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, दैट आर गाइडेड प्रोजेक्ट्स, आप उनसे सीख सकते हैं, और मेरा ये मानना, मैं अपने सेशंस में भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सीखिए, दो तीन प्रोजेक्ट्स करिए सीखिए, उसके बाद एक कंप्लीट खुद का डेटा सेट लीजिए केगल से या कहीं से भी, एंड स्टार्टिंग से एंड तक की प्रोसेस खुद कीजिए, वो आपका यूनिक प्रोजेक्ट होगा जो किसी और रिज्यूमे में नहीं मिलेगा आपको, एंड वो मुझे लगता है कि आपकी क्योंकि यूनिकनेस आप वहां देखी जाती है कि आपका ये यूनिक प्रोजेक्ट है, वो आपकी हेल्प करेगा वहां पर। हाँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्ट्स हमें हैंड्स ऑन काइंड ऑफ दे रहे होते हैं, कि अपन ने बिल्कुल बस क्वेश्चंस करते जाएंगे अपन ना, तो उतना आधा हमें पता नहीं चलता है, जब अपन उसी को अप्लाई करते हैं एक यूज बिकॉज केस में, प्रोजेक्ट्स में एक आपको सिनेरियो में। रियल रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है वो आप सॉल्व करोगे, एंड आप करेक्ट उसको कैसे करेक्ट, हैंडल करना आप वो सीखते हो। तो कैगल वगैरह पे क्या होता है बेसिकली ना, उसमें लाइव डेटा जो बेसिकली जो काइंड ऑफ जो एनोमलीज डेटा में रहती हैं, जो क्लीनिंग हमें लाइव एनवायरनमेंट करना पड़ता है, वही सारे वैसा ही डेटा सेट्स रहता है, कि आप ओला उबर का डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो, उस पर आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, तो उसको क्लीनिंग करके, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी, कि आप लाइव डेटा सेट पर काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस वो प्रोजेक्ट्स में बिल्ड करोगे, उसके बाद डालो अपने रेज्यूम में डेफिनेटली भाई। समर्थ में बताऊं सही में ना, बहुत ज्यादा लोग ना ऐसे परेशान है ना, जो आपसे मैं क्वेश्चन ये रखने वाला हूँ, दैट इज कि भैया यार मेरे को ना डेटा एनालिस्ट मैं सीख रहा हूँ, ठीक है डेटा एनालिसिस वाली सारी स्किल्स मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, बट मैं जहां भी अप्लाई करता हूँ कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इंटर्नशिप्स नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हो? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे को, लोग तो ऐसे ये भी क्वेश्चन कहते हैं मुझे भी जॉब ही काफी, नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन मुझे भी काफी आता है, एंड इसमें आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो आपका रिज्यूम डालता है कि आपने रिज्यूम कैसे शो किया है, आपने क्या अपने प्रोजेक्ट्स डाले हैं उसमें, आपने क्या सर्टिफिकेशन कुछ करे हैं तो आपने वो मेंशन किए हैं, आपने क्या गिटहब प्रोफाइल मेंशन की है जो आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है, आपने क्या लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन की है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है, ये सारी चीजें अगर आपकी टिक आप इन बॉक्सेस को टिक करते हो तो आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपका कॉल आएगा। और आप क्या रिकमेंड, जैसे लिंक्डइन का आप बोले तो क्या रिकमेंड करते हो बेसिकली, कि हाँ कैसे कितना कुछ पोस्ट आउट करें लिंक्डइन पे, या बस जॉब सर्च करते रहें, कि कैसा प्रोफाइल कैसा बिल्ड करें बेसिकली, कितना एक्टिव रहे लिंक्डइन पे? 99% लोगों को लिंक्डइन यूज करना ही नहीं आता है,
अगर मैं स्टार्टिंग से बेसिक बात करता चलो तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, एक आपका बैकग्राउंड में एक बैनर लगा होना चाहिए, आप जिस रोल के लिए सर्च कर रहे हैं वो रोल आपका लिखा होना चाहिए कि आप उस रोल के आप काम कर रहे हो, आपकी एजुकेशन वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन मेंशन होनी चाहिए। जैसे हैकर रैंक की हम बात करते हैं, हैकर रैंक पे सर्टिफिकेशन भी होते हैं बेसिक इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल के, आपने वो वहाँ पर शो कर सकते हो। वर्चुअल इंटर्नशिप होती है 4H के थ्रू, आप वो वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। हर एक चीज जो भी आपने अचीव की है आप वो वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, एंड करनी भी चाहिए क्योंकि उससे आपकी प्रोफाइल है वो पूरी कंप्लीट होती है, स्किल्स सर्टिफिकेशंस एंड सारी चीजें आप वहाँ पर शो करते हो। हाँ, वो काइंड ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस भी हमारा मेंटेन करता है कि हाँ, लाइक कोई डेफिनेटली आया जिसके पास रिज्यूमे नहीं है मेरा, वो अपनी प्रोफाइल पे आया, वो एक काइंड ऑफ इंप्रेशन छोड़ जाता है कि डेफिनेट, आप वही मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान मेरे से पूछता है लिंक्डइन पे कि मैं प्रोफाइल कैसे करूँ, मैं कहता हूँ आप एक टैब पर अपनी प्रोफाइल खोलो, दूसरे टैब पर मेरी प्रोफाइल खोलो, आपको सिंपल डिफरेंस दिख जाएगा कि ये एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है, ये बंदा एक प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट है, दिख रहा है, देखने से ही दिख रहा है, हाँ, उसके और चांसेस इंक्रीज होंगे। कंफ्यूजिंग, हाँ, और एक चीज, गलतियां लोग क्या करते हैं ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग से प्रोफाइल बना देते हैं। बताए क्या करते हैं बेसिकली, जैसे यूडमी के इररेलेवेंट सर्टिफिकेट्स डाल दिए कि हाँ, सर्टिफिकेशन सेक्शन बस भरना नहीं है, रेलेवेंट चीजें डालो, लाइक डेटा विजुअलाइजेशन का डाला, बिल्कुल उसके डेटा पाइथन का कोई डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, डेटा इसी से एनालिस्ट रिलेटेड कोई कोर्स का सर्टिफिकेशन डाल दिया, दैट इज रेलेवेंट। बट कोई ए बी डेफिनेटली, जेड कोई कोर्सेज, मतलब कुछ भी कोर्स करके नहीं डालना है, दैट इज आप इररेलेवेंट जिस एंड दैट रोल विल के लिए नॉट हेल्प टारगेट यू। कर रहे हो दैट शुड बी स्पेसिफिक टू दैट रोल, उस रोल स्पेसिफिक करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और जैसे कि आप, जैसे गूगल की जर्नी पे थोड़ा हम लोग घुसते हैं, दैट इज आप अभी डे टू डे, मतलब कैसा रहता है, कैसा गूगल के ऑफिस में जाने से क्या क्या चीजें आप कर रहे होते हो, कैसा लगता है, जर्नी कैसी चल रही है अभी, और सीखने को कितना मिल रहा है? सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर ऑफिस की बात करें तो सबसे पहले क्या फैसिलिटी, आप ऑफिस जाते हो उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हो, फिर आप अपने डेस्क पे आ जाते हो, जो आपके काम होते हैं आपको कुछ काम मिलते हैं, साथ साथ आपकी ट्रेनिंग चलती है एंड सारी चीजें स्मूथली चलती रहती है। मतलब सारी चीजें एकदम बढ़िया चल रहा है, सारा सेट है सब कुछ। एंड इसमें बिल्कुल मैं जस्ट एक क्वेश्चन ये यहाँ पे पुट डाउन करना चाहता हूँ, जैसे ये अप्रेंटिसशिप कितने ड्यूरेशन की होती है, कि इसके बाद फुल टाइम में होने के चांसेस वगैरह कुछ रहते हैं, या इसके बाद कैसा करियर दिख रहा होता है हमारा? बोलिए, 2 साल की अप्रेंटिसशिप होती है 24 मंथ्स की एंड फुल टाइम ये नहीं होता है। 2 साल के बाद आप इसी करियर पाथ पे, बस आपको बूस्ट मिल गया तो आप इसी करियर पाथ पे आगे बढ़ सकते हो, आपको एक एज मिलेगा, आपने सीखा होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा एंड वो सारी चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी आपकी फ्यूचर की जर्नी में। करेक्ट करेक्ट, वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है, बिकॉज आप, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, अब भाई वहां से आगे बढ़ो, वो डेफिनेटली आपकी जिम्मेदारी, आपको स्किल्स पता चल चुके हैं, रोड मैप दिख चुका है, अब आपको खुद खोजना है सारी चीजें, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड मैं समझता हूँ ना भाई, कि जो पोर्टफोलियोज अपने हैं ना, लाइक दैट आर रियली अ सुपर पावर्स है हमारे, और हमें उसको शोकेस करना चाहिए, उसको शो ऑफ करना चाहिए, और ऑनलाइन प्रेजेंस आपको ऐसे ही मेंटेन करनी है, अपने आपको दिखाना है। तो कुछ ऐसे कूल या बढ़िया से प्रोजेक्ट आइडियाज कुछ हैं क्या जो आप बता सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर, जो आपने देखे हो कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट आइडिया है, ऐसे कुछ आइडियाज वगैरह बता सको ताकि लोग फॉलो आउट कर सके? एक मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट देखा था यूट्यूब पर, मैं उसको बना नहीं पाया, मैंने कोशिश करी थी। दैट वाज अबाउट विराट कोहली की जर्नी के बारे में एक तरह से, तो विराट कोहली डैशबोर्ड था एंड उसमें विराट कोहली की बहुत अच्छी फोटो भी थी एंड उसका पूरे करियर का, करियर एवरेज, हंड्रेड्स, फिफ्टीज, किस देश के खिलाफ कितने रन बनाए, वो सारी चीज उसमें थी। दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। अगर मतलब अगर मैं उसको बना पाता तो मैं उसको डेफिनेटली शो करता क्योंकि वो एक बहुत यूनिक आइडिया था। हाँ, ये इंटरेस्टिंग सा भी लग रहा है, मतलब लोग देखेंगे तो उनको मन करेगा आप वही, बनाने मैं वही का, कहता हूँ, आप एक डोमेन चूज कर डिफरेंट। लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उस डोमेन के रिगार्डिंग आप बनाइए, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उसमें जरूर बनाता। मतलब खुद का भी इंटरेस्ट जगे, जब बनाओगे खुद भी ना, डेटा दिखेगा तो अच्छा सा लगेगा कि हाँ, ये डैशबोर्ड बन गया, अब दूसरा बनाता हूँ, ऐसे करके, वो रिलेटेड है। और डेटा एनालिसिस आई थिंक हर फील्ड में है, मतलब काइंड ऑफ ऐसा नहीं है कि रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर फील्ड, आपको एजुकेशन फील्ड में भी है, स्पोर्ट्स फील्ड में भी है, क्रिकेट एनालिस्ट बहुत ढेर सारे होते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट जो एनालिसिस बिल्कुल कर रहे होते हैं कि इतने स्पीड से बॉल आई, मतलब काइंड ऑफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतनी स्पीड से बॉल आई तो हाँ, ये पिच है, तो क्या क्या डेटा वो कलेक्ट किए, उसके बाद वो एनालिसिस करते हैं कि हाँ, ये डिसीजन अगर लें, इन प्लेयर्स को अगर खिलाएं तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो, काइंड ऑफ दिस क्रिकेट एनालिस्ट यही करते हैं। तो ऐसे है, तो बहुत ढेर सारा, बहुत वाइड रेंज है भाई डेटा एनालिस्ट का, काफी फील्ड्स में आप काम कर सकते हो। एंड जैसे आपने स्किल्स को बता दिए कि भाई ये स्किल्स आप सीख लो, इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कैसे सीखें, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि भाई क्या रिसोर्सेस फॉलो करें कि वो ज्यादा हमें हेल्प कर सके, ताकि टाइम ना वेस्ट हो भैया, कि हम 10 जगह से पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, एक जगह कोई ऐसे बताओ कि हाँ, ये जगह से पढ़ लो, ताकि थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। अब ये डिपेंड करता है हर एक इंसान की इंटेलेक्चुअल लेवल पर और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, पेस पर। तो कंप्लीट मैंने वैसे हर स्किल की डिटेल्स मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर भी मेंशन की है। लेकिन बेसिक अगर आप एक्सेल से स्टार्ट करते हैं तो यूट्यूब में 3 से लेकर 4 ट्यूटोरियल्स हैं, 3 से लेकर 4 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं।
ये मैं रिकमेंड करूंगा आप एक को फॉलो कीजिए तो एंड तक उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपने एक पैटर्न बनाया है, आपने एक रोड मैप बनाया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। और जो मैं प्रोसेस एक मैं रिकमेंड करता हूँ, आप सीखिए, लर्न कीजिए, चाहे यूट्यूब से चाहे किसी जगह से, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, देन आप उस पर प्रोजेक्ट्स बनाइए। एंड मैं रिकमेंड करता हूँ जो शायद लोग नहीं करते, कि आपने एक स्किल सीखी है, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने एक्सेल सीखा है, आप एक्सेल सीख के अच्छे से प्रिपेयर करके उसके बाद ही आप सिर्फ जो कंपनीज एक्सेल को डिमांड करती हैं आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ काफी एक तो काफी कंपनीज है जो सिर्फ एक्सेल के बेसिस पर भी लेंगे आपको, आपको रियल लाइफ इंटरव्यू क्वेश्चंस पता चलेंगे, आपको इंटरव्यू फेस करने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एंड आपने एक्सेल सीख लिया, आपने रियल लाइफ इंटरव्यू क्वेश्चंस ले लिए, फिर आप एसक्यूएल पर जाइए, आप एसक्यूएल सीखिए, प्रिपेयर कीजिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, फिर एक्सेल प्लस एसक्यूएल बेस्ड जो कंपनीज है उनको सर्च करके उनको रीच आउट कीजिए, वहां पर इंटरव्यूज दीजिए, आपके पास एक्सेल के एक्सपीरियंस पहले से ही होंगे। इस प्रोसेस में अगर आप जाते हैं ना, प्रोसेस टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप इस तरह से जाते हैं तो जब आप फाइनली फुली प्रिपेयर्ड होंगे तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपके पास 70-80% रियल लाइफ क्वेश्चंस वो हो चुके होंगे जो आपने खुद फेस किए हैं, एंड आपको उनको टैकल करना भी आता होगा, तो आपको बहुत ज्यादा एज मिलेगा। लोग क्या करते हैं, मैं सोचता हूँ मैं एक्सेल भी सीख लेता हूँ, एसक्यूएल सीख लेता हूँ, पाइथन सीख लेता हूँ, आर सीख लेता हूँ, विजुअलाइजेशन सीख लेता हूँ, फिर एंड में जाऊंगा, और एंड में जाता है एक तो जॉब सर्च प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस है, उसमें बंदा ड्रेन आउट हो जाता है, एंड उसके बाद जब इंटरव्यू पहली बार फेस करता है अपना 100% दे ही नहीं पाता है। आप इस तरह से जाओगे तो आपने हर हर स्किल बेस्ड आपने इंटरव्यू दिए होंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। हाँ, वो थोड़ा सा लाइक फाउंडेशन हमारा एक बार बिल्ड हो जाता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन अगर तगड़ा होगा ना भाई, बिल्डिंग अपने आप धीरे 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 एक एक माला चढ़ते जाओगे। अब क्या किया, सब कुछ आप एक ही मतलब ऐसा सोच रहे हो कि सब एक बार सपाट करके बना दें उसके बाद उसको खड़ा करें, तो इट कैन बी मतलब सिनेरियो जहां पे बिल्डिंग गिर सकती है। दैट इज द थिंग, कि एक एक करके एक स्किल पे फोकस किया फिर दूसरे स्किल। तो एक्सेल सही में बहुत ही फाउंडेशनल स्किल है और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, मतलब एकदम मैंडेटरी। जो आप ना, अगर आप डेटा एनालिस्ट में काम करो, आप डेटा इंजीनियर, आई एम डेटा इंजीनियर, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर अबाउट 3 ईयर्स, ठीक है। तो बेसिकली मैं डेली बेसिस पे भाई, मेरे को अगर डेटा देखना है कि हाँ क्या चीज एनोमलीज आई, यहाँ से डेटा सोर्स से अगर मैं लोड कर रहा हूँ, ETL के थ्रू क्यों नहीं लोड हो रहा है, वो सारी चीजें मेरे को देखने के लिए, एनोमलीज देखने के लिए, तो मेरे को एक्सेल पे डालना पड़ता है चीजें, क्योंकि इजी है, एक तो हैंडी है बहुत ज्यादा, उठा के डाला तुरंत डेटा, 10 रोज का देख लिया, इजी है। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल डेफिनेटली। वो मैं अपने एक्सपीरियंस, समर्थ भी अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं भी अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूं कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत ज्यादा उसको क्या करते हैं कि पुश बैक करते हैं, एक्सेल ही तो है भाई, सीख लेंगे यार, ये आता है हमको। इट इज नॉट लाइक दैट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कठिन है। इट इज वेरी, एक्चुअली नहीं आता होता लोगों को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और जैसे रेज्यूमे की बात करें हम लोग, दैट इज रेज्यूमे कैन बी वेरी ट्रिकी। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है कि हाँ क्या क्या फॉर्मेट बनाना है, क्या क्या चीजें डालनी है, क्या टिप्स वगैरह यूज करने हैं, बट जो फ्रेशर्स है ना अभी भी लैक कर रहे हैं भाई, कि भैया हम क्या सेक्शन कहाँ डालेंगे, क्या सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं क्या जो स्पार्कल कर सकते हैं, जो रिक्रूटर को देखे रिक्रूटर तो रुक जाए हमारे रेज्यूमे पे, पलटे ना पेज, तो ऐसा कुछ है क्या कुछ टिप्स वगैरह? ऐसे कुछ चीजें, एक तो लोग कुछ अपनी फोटो भी डालते हैं रेज्यूमे में, मत डालिए। एक लास्ट में डिक्लेरेशन सेक्शन डालते हैं लोग, आई डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन इज मी, कोई जरूरत नहीं है। अपना प्रोजेक्ट प्रोफोलियो जरूर शो कीजिए, गिटहब प्रोफाइल जरूर शो कीजिए, लिंक्डइन शो कीजिए, उस पर प्रेजेंस दिखाइए। उसके अलावा आप अगर थोड़े से भी एक्सपीरियंस है तो लीड बाय एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग ही एक्सपीरियंस से कीजिए। आपने कोई इंटर्नशिप्स की है, अगर आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं तो स्टार्टिंग ही प्रोजेक्ट से कीजिए। जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट है उस चीज को सबसे ऊपर रखिए, चाहे आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे आपके प्रोजेक्ट्स हो, कोई वर्चुअल इंटर्नशिप्स हैं, चाहे सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी चीजें शो कीजिए। एंड कोशिश कीजिए आपने एक स्टोरी के माध्यम से उस चीज को बताने की, कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है लेकिन आपने क्या इम्पैक्ट डाला, क्या आपने उसमें हेल्प की, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट किया है कि डिड ETL नहीं, उससे क्या फायदा हुआ, कंपनी को क्या फायदा हुआ, आपने क्या एक्यूरेसी बढ़ा दी, आपने क्या एनोमलीज कम कर दी, वो चीज इम्पैक्ट जरूर शो कीजिए। लोग इम्पैक्ट नहीं शो करते, लोग बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाते, लोग एक पैराग्राफ लिख देते हैं या एक दो लाइन लिख देते हैं, स्किल्स में एक्सेल SQL इस तरह से लिख देते हैं, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आपने स्किल भी शो करनी है तो एक बुलेट पॉइंट से शो कीजिए, एक्सपीरियंस से, ये प्रोजेक्ट्स में जो किया उसके माध्यम से शो कीजिए। हाँ करेक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पॉइंटर्स का यूज करो, लाइक वन लाइनर्स की यूज करो, कि थोड़ा सा ना वो लाइन क्या है ना, लाइक इम्पैक्ट बना दे सामने वाले पे, कि हाँ वो पढ़े दैट, मतलब जो वो खोज रहा है ना रिक्रूटर, जो खोज रहा है अगर उसको दिख गया आपके रेज्यूमे में, बिकॉज वो क्या करते हैं कंट्रोल एफ करते हैं, उसके बाद फिर हाइलाइट्स आपके कीवर्ड्स देखते हैं, बेसिकली वो बहुत ढेर सारी टेक्निक्स होती है। आई एम जस्ट टेलिंग अ ओवरव्यू कि हाँ ये जस्ट वो लोग कर रहे होते हैं, तो लाइक वो स्किल्स होनी चाहिए। वन लाइनर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइन बाय लाइन चीजों को लिखना, पैराग्राफ्स मत लिखो, दैट लुक्स बोरिंग और कोई पढ़ना नहीं चाहता है भाई साहब, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा लाइक
इजी, थोड़ा सा इजी करो प्रोसेस को ताकि सामने वाले के लिए भी इजी हो जाए आपको स्क्रीन करना. तो और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसे संगत वैसे रंगत, कि जैसे लोग होंगे साथ के वैसे ही अपन भी बनेंगे. तो कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क वैसा बिल्ड कर सकें और लोगों को हम लोग अपनी फील्ड में, जैसे डेटा एनालिस्ट के लोग को ही देख के या डेटा फील्ड में किसी को लोग को देख के और ग्रोथ पा सकें? तो क्या फील्ड, क्या ऐसा नेटवर्क है और कैसे ट्रिक्स वगैरह है कुछ ऐसे तो बता दो भैया. बिल्कुल बिल्कुल, नेटवर्क बहुत जरूरी है. एंड मैं अपना मैं बात करके चलता हूँ. तो व्हेन आई वाज इन द जॉब सर्च प्रोसेस, तो मैंने लिंक्डइन पर पोस्ट करना स्टार्ट किया था 1 दिसंबर 2022 से. एंड मैंने पोस्ट करते करते एसक्यूएल का कंटेंट मैं पोस्ट करता था. इन द जर्नी आई मेट वेरी वंडरफुल पीपल जो सेम इंटरेस्ट के थे, चाहे डेटा एनालिस्ट थे, चाहे मुझसे सीनियर थे, कुछ मुझसे जूनियर थे. एंड वो पोस्ट करते करते ही मेरे मैं 645 फॉलोवर्स के साथ मैंने अपना कंटेंट शुरू किया था. एंड जब पहली जॉब लगी थी तब तक लगभग 10,000 फॉलोवर्स हो चुके थे. एंड उसने मुझे काफ़ी हेल्प की. एक तो फील्ड में क्या क्या चीज़ें नहीं चल रही है मुझे पता लग जाता था, क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है वो मुझे पता लग जाता था, लोग क्या अचीव कर रहे हैं, क्या नए स्किल्स मैं सीख सकता हूँ वो मुझे पता लग जाता है. आप जब नए नए लोगों से मिलते हो आपको बहुत सारी चीज़ें और पता लग जाती है. तो वो आपको बहुत हेल्प करता है. लिंक्डइन पर आप नेटवर्क करना बहुत जरूरी है, लेकिन नेटवर्क तभी कर पाओगे जब आप खुद कुछ पोस्ट कर रहे हो, कुछ आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, सामने वाले को आपसे नॉलेज मिल रही है. वही कह रहा हूँ, वो मतलब फॉलो आउट करो, 2-3 लोगों को फॉलो आउट करोगे ना आपको खुद आइडिया होगा. जैसे समर्थ को फॉलो आउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक्डइन के प्रोफाइल समर्थ की हुई है, जाके फॉलो कर सकते हो, आपको आइडियाज मिलेंगे. आप इनको फॉलो करोगे, हो सकता है कुछ पोस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ पता, कुछ नई चीज पता चलेगी, क्योंकि लाइव ये काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में तो कुछ नई चीज पता चली. अब मैं उस बारे में रिसर्च किया, मेरे को कुछ नया पता चला, मैंने उस बारे में रिसर्च किया, मेरे को और एक्साइटिंग लगा, मैंने उस पर प्रोजेक्ट बनाया या उस टेक्नोलॉजी को सीखा या उस टॉपिक पर थोड़ा सा रिसर्च किया. उसके बाद मैंने दूसरे दिन फिर से देखा तो मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, 10 लोगों ने फिर से अपने इनसाइट्स डाले. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मतलब इन एंड गो प्रोसेस है, खुद अपने भी शेयर करोगे, वैल्यू जितना प्रोवाइड करोगे उतना वैल्यू मिलेगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसमें जैसे गूगल में बेसिकली जैसे आप अप्लाई कर रहे थे तो इसमें इंटरव्यूज कितने होते हैं और स्क्रीनिंग है? जैसे स्क्रीनिंग तो हो गई, आपको मेल आ गया कि हाँ भैया आप एलिजिबल हो, काइंड ऑफ एलिजिबल हो या आगे प्रोसेस के लिए, तो इसमें राउंड्स कितने ये लोग लेते हैं, बेसिकली कितने राउंड्स वगैरह होते हैं और क्या क्वेश्चंस बेसिकली किस चीज पे फोकस कर रहे होते हैं? बेसिकली प्रोसेस आपके सबसे पहले रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग होती है, आपका रिज्यूम एंड कवर लेटर वहाँ पर सबमिट करते हो. अगर आपका सिलेक्ट हो गया तो आपको एक मेल आता है गूगल ऑनलाइन चैलेंज का. गूगल ऑनलाइन चैलेंज आप देते हो, ऑनलाइन चैलेंज होता है 30 मिनट्स का, 14 क्वेश्चन होते हैं. एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग पे आपके क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. एंड वो आप राउंड क्लियर कर लेते हो, देन सेकंड राउंड होता है आपका टेलीफोनिक राउंड, विच इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन. आपकी वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन चेक होती है उसमें. एंड वंस आप वो क्लियर कर लेते हो, फिर आपके दो फेस टू फेस राउंड होते हैं गूगलर्स के साथ वीडियो कॉल पर. एंड उसमें वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपकी अडैप्टेबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स, हाउ यू हैंडल प्रेशर, वो सारी चीज़ें आप चेक करते हैं, जिसको एक टर्म में गूगलीनेस कहा जाता है यहाँ पर गूगल में, कि आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर पाते हो. वो सारी चीज़ें आप चेक होती हैं दोनों इंटरव्यूज में. एंड एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा काम आई, मेरी पूरी प्रोसेस, मतलब मेरी जो पिछले 2-2.5 साल की स्ट्रगल वाली प्रोसेस थी, जो मैंने सीखा, सर्टिफिकेशंस लिए, बूट कैंप्स लिए, और भी कुछ जॉब्स करी, फेल हुआ, I work with my father also who's a CA, वहाँ पर भी मैंने काम करा, सारी प्रोसेस मुझे काम आई. एंड जो मैं अगर एक टिप आप मुझसे पूछेंगे जो मैं रिकमेंड करूंगा, दैट इज बी जेन्युइन. आप जैसे हो वैसे ही शो करो, आपको बहुत ज्यादा हाई फाई बनने की जरूरत नहीं है. नहीं समझ में आ रहा, अगर आप इंटरव्यूअर ने आपको एक सिचुएशन दी कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन जब आपको कुछ ऐसा हुआ, अगर आप उस सिचुएशन से नहीं गो थ्रू करे हो, आप कह दीजिए सर आई हैव नॉट बीन थ्रू दिस सिचुएशन, काइंडली प्लीज गिव मी अनदर सिचुएशन, आई विल ट्राई. हर राउंड एक एलिमिनेशन राउंड है. आप सारे इंटरव्यूज क्लियर करके भी टीम मैचिंग राउंड में भी आप एलिमिनेट हो सकते हो. तो ये सारी चीजें आपकी प्रोसेस होती है. ओके. और कुछ लर्निंग्स के बारे में, जैसे मान लो, जैसे आपने मेंशन किया ना स्टार्टिंग में, 2 बार अप्लाई किया था, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था, दूसरे बार सेलेक्ट हुआ, तो कुछ ऐसे लर्निंग्स होंगे ना कि भैया मैंने ये गलती कर दी थी यार पहली बार में, ये चीज मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, तो कुछ ऐसे एडवाइसेज जो सामने वाला बंदा देख रहा है उसके लिए कुछ एडवाइसेज, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, ये सब बता सकते हो अगर तो, और क्या गलतियां की ताकि उनका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए? मैंने जब मैंने पहली बार अप्लाई किया था तो मेरे पास जो मैंने खुद के प्रोजेक्ट्स किए थे वो मेंशन नहीं किए थे, सिर्फ गाइडेड प्रोजेक्ट्स थे. उसके अलावा मैंने पहली बार में गिटहब प्रोफाइल मेंशन नहीं की थी. जब पहली बार अप्लाई किया तो उस टाइम मेरा लिंक्डइन भी नहीं था बहुत ज्यादा एक्टिव. जब दूसरी बार अप्लाई किया तो मेरे लगभग 10,000 के आसपास फॉलोवर्स थे ही. तो ये सारी चीजें जो मेरी प्रेजेंस थी, ऑनलाइन प्रेजेंस, वो मैंने शो की. एंड उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स भी जो थे, जो आप पोर्टल पर जब आप अप्लाई करते हो आपको सजेस्ट किए जाते हैं, कुछ कीवर्ड्स भी
एंटर नहीं किए थे वो भी मैंने किए, एंड कवर लेटर भी मैंने पहली बार अप्लाई नहीं किया था. कवर लेटर आपका मैंडेटरी होता है, तो कवर लेटर भी मैंने सेकंड बार अप्लाई किया. अच्छा, हाँ दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट कि हाँ जो चीज़ मैंडेटरी हो तो भरना ही भरना है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ कवर आउट कर दिया है समर, थैंक यू सो मच. कुछ और है जो आप शेयर करना चाहते हो तो अपन अदरवाइज अपन क्लोज कर सकते हैं. अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, उसको दो या तीन एडवाइस देना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ईच स्किल इंडिविजुअली, एक एक स्किल सीखिए, उस पर ध्यान दीजिए. दूसरा, डोंट बी इन अ हरी. आजकल लोग बहुत ज्यादा हरी में रहते हैं कि भैया 2 महीने में, 3 महीने में डेटा एनालिस्ट बन जाओ, 4 महीने में बन जाओ. भाई नहीं बन पाओगे. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इतनी सारी चीजें ट्राई आउट की, इतनी सारी चीजें सीखी, एंड इट टुक मी 15 मंथ्स उसके बाद भी टू लैंड माई फर्स्ट डेटा एनालिस्ट इंटर्नशिप. दैट वॉज ऑल्सो एन इंटर्नशिप एट फिजिक्स वाला. 15 महीने लग गए. मैं लिंक्डइन पर भी एक्टिव था, 10,000 फॉलोअर्स थे. मैंने बूट कैंप्स भी किए, मैंने सर्टिफिकेशंस भी किए, मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए, मैंने वर्चुअल इंटर्नशिप्स भी की, मैंने इंटरव्यूज भी दिए उसके बाद भी, क्योंकि इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो प्लीज घबराइए मत, एंड ऑनलाइन प्रेजेंस जरूर शो कीजिए. उसने मुझे बहुत फायदा दिया, बहुत अमेजिंग आपको लोग मिलेंगे, आपको आपकी वैल्यू का आपको रिटर्न मिलेगा डेफिनेटली. हाँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली जो है वो फॉलो आउट कर सकते हैं. समर्थ से भी कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस अगर मान ले आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को है, तो आप समर्थ को भी कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, या आप नीचे कमेंट्स में पिन कर सकते हो, आई कैन ऑल्सो ट्राई टू आंसर इट. तो यही सारी वीडियो, यही सारी चीजें. थैंक यू सो मच समर्थ फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग एवरीथिंग इन सो मच ऑफ डिटेल. यही सब था वीडियो के बारे में. थैंक यू सो मच. थैंक यू अनुराग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग.